सिद्धार्थ, मुझे आपकी मदद की बहुत बुरी तरह जरूरत है, वरना पंड्यासुर हमारे हाथ से चला जाएगा। शिवा, तुम जानते हो तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुम मुझे बैक डेटेड पेपर बनाने के लिए कह रहे हो? और उसमें मैं ये दावा करूं कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बेदखल कर दिया है और तुम्हारा उनकी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है? हर्षित भाई, मजबूरी है। और मैं आपको कोई गलत कागज थोड़ी ना बनाने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपसे कोई गलत काम कराऊंगा? आप हमें कब से जानते हैं? आप मेरे परिवार को कब से जानते हैं? हर्षित भाई, ब्लैक मार्केटिंग के केस में ना जानबूझ के फंसाया जा रहा है मुझे, ताकि पंड्यास्टोर का लाइसेंस कैंसिल हो सके। ये हरकत जो भी कर रहा है ना, उसके गर्दन को तो मेरे हाथ ढूंढ लेंगे, पर उससे पहले ना हर्षित भाई, पंड्यास्टोर को बचाना बहुत जरूरी है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। ठीक है, मगर मुझे उस कागज पे तुम्हारे सारे भाइयों के साइन चाहिए होंगे। मिल जाएंगे, सबके साइन मिल जाएंगे। आप सिर्फ वो पेपर तैयार रखना जिसमें साफ साफ लिखा हो मेरा मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं। मैं पंड्यास्टोर में सिर्फ एक नौकर हूँ, सिर्फ एक नौकर बस। हर्षित भाई, ये आखिरी मौका है, आखिरी मौका है पंड्यास्टोर को बचाने का। प्लीज प्लीज हर्षित भाई, मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। ठीक है, मैं बैकडेटेड पेपर बना दूंगा। थैंक यू। ये एक और आपका एक दो। भाई साहब, मैंने सुना है पांड्या स्टोर में कल से ताला लगने वाला है, ये बात सच है क्या? गलत सुना है आपने। पंड्या स्टोर पर कभी ताला नहीं लगेगा। शिवा, शिवा, ताला लगेगा। ये देख, ये देख, सरकारी नोटिस आज सुबह ही लगा है। कल सुबह पुलिस आएगी और हमारी दुकान पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा देगी। हमारा लाइसेंस भी रद्द होने वाला। शिवा, होने वाला है और हो चुका है, हमें बहुत फर्क होता है काका। मैं मेरे पंड्या स्टोर पे कभी ताला नहीं लगने दूंगा। ये सुमन पंड्या के बेटे शिवा पंड्या का बता। माँ और पापा मिलके वो स्वास्तिक बनाते थे और मैं अकेले बना रहा था। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तेरे हाथ जो लगने थे। चला मिलके बनाते हैं। शिवा, पहली बार जब गौतम ये दुकान संभालने आए थे तब तुम तीनों बहुत छोटे छोटे थे। कैसे तुमने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से यहाँ छापे लगाए थे, याद है तुम्हें? मुझे अच्छी तरह से याद है, गौतम ने पहली बार इस दुकान में अपने कदम रखते हुए कहा था कि ये दुकान मेरी माँ है। मैंने भी कहा था ये दुकान मेरी माँ है। और आज जब इस दुकान में ताला लग जाएगा जब सही कहा था गोम्बी ने, पंड्या स्टोर ना काका हमारी माँ है। काका, पंड्या स्टोर ने ना हमें पाला है। आप ही बताइए, मैं अपनी माँ पे कभी आ जाने दूंगा? खुद में जान बचेगी तो ही अपनी माँ को बचा पाएगा ना। अरे रावी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही है? घर पे जाना सब कभी भी आ सकते हैं। पता है, लेकिन अब तुझे इतनी आसानी से तो मरने नहीं दे सकती ना। काका, मैं ना आप लोगों के लिए खाना लेके आई थी। वो क्या है ना कि आप कितनी भी हिम्मत भर लो, लेकिन दुकान बचाने के लिए खुद में एनर्जी होना तो बहुत जरूरी है ना। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तूने। अरे लेकिन ये शिवा तो खाना खाने नहीं चाहता। हाँ, ये तो तुझे घर भेज रहा था। लगता है इसने हवेली में डाइटिंग वाइटिंग को शुरू कर दी। हाँ काका, जिस दिन इसने डाइटिंग शुरू कर दी ना, उस दिन पेट पर सोना उगने लग जाएगा।
अच्छा ठीक है, अगर इसने नहीं खाया ना तो आप किसी बंदर को खिला देना, इट्स ओके। हाँ ये ठीक कहा तुमने, चलो अभी जल्दी से खाना खा लो। चलो आ बेटा, आ जाओ, आओ तेरे लिए खाना लाइए, चल लीजिए। अच्छा काका मैं चलती हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे कॉल कर लेना। लेट हो गई, भूतना तब तक क्यों नहीं आया? काम करती हूँ, फोन करती हूँ। नहीं फोन किया तो उसे लगेगा कि मुझे डर लग रहा है। कौन है? क्या कर रही है तू? शिवा तू? तू अंधी है क्या? इतनी बड़ी आंखें तेरी, दिखाई नहीं देता कि मैं हूँ। सॉरी, मुझे लगा कि कोई चोर है इसलिए मैं जोर जोर से मार रही थी, लेकिन गलती मेरी आंखों की नहीं तेरी दिमाग की है। अपने घर में कोई खिड़की से आता है क्या? तू टाइम देख रही है? हाँ मुझे सपना आएगा कि तू भूत की तरह से नाच रही होगी इतनी रात को। जब भी लेट होता ना मैं यहीं से आता हूँ। तो मैं तो तेरा ही वेट कर रही थी ना भूतनाथ। क्या बोली? मेरा वेट कर रही थी। क्यों? मैं सोने जा रही हूँ। ए, रुक, तू कहाँ जा रही है? चोर समझ के तो झांसी की रानी की तरह मार रही थी मुझे, और मुझसे ही डर के बाहर सोने जा रही है तू? डर? और मुझे? हाँ तुझे। नहीं तो वो इतने दिनों से हम घर से दूर थे ना, तो घर ने हमें मिस किया होगा, और हम दोनों अगर एक कमरे में सो जाएंगे तो फिर बाकी सारे कमरों को लेफ्ट आउट फील होगा ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सारे कमरों को सारे कमरों का बराबर ध्यान रखें, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। चिपकली तो अजीब है, मुझे क्या हो रहा है?